राज्य सरकार द्वारा आम लोगों को गुड गवर्नेंस देने के लिए सभी जिलों के बीच शुरू की गई गुड गवर्नेंस प्रतिस्पर्धा में इस बार कांगड़ा जिला ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इसके तहत बिलासपुर दूसरे जबकि ऊना जिला तीसरे स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गुड गवर्नेंस पर आयोजित संयुक्त समारोह में तीनों जिलों के उपायुक्तों को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतिस्पर्धा को करवाने का उद्देश्य लोगों को प्रशासन के माध्यम से बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाना है। हमने कहा कि ये प्रतिस्पर्धा हम नेताओं के बीच में क्यों होनी चाहिए, सिर्फ हमें हमारे हम ही प्रतिस्पर्धा में रहे, आप लोग भी प्रतिस्पर्धा में होने चाहिए। इसलिए सभी डिप्टी कमिश्नर्स के लिए हमने ये पैरामीटर कुछ तय किया और तो उसकी अब तो पूरी गाइडलाइन की याद विधिवत आपने वो उसका विमोचन भी किया और उसके साथ में समझता हूँ कि एक अच्छी एक शुरुआत है और जहां कॉम्पिटिशन होता है तो स्वाभाविक रूप से वहां चीजें बेहतर होती है, बेहतर उसके परिणाम होते हैं, ये देखने को आता है। तो इसलिए सभी डिप्टी कमिश्नर जो तीनों हैं यहाँ पर जो पश्चिम साइड में तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाई गई हिमगृह ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से सभी प्रकार के छोटे बड़े होटल कारोबारी अपने होटल में प्रदूषण रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी रेटिंग दर्शा सकते हैं, जिसकी जांच संबंधित बोर्ड द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बधाई देते हुए होटल कारोबारियों से ग्रीन रेटिंग पर अधिक ध्यान देने की अपील की, ताकि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को और मजबूत किया जा सके। ग्रीन रेटिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर के मुझे लगता है कि इस तरह का ये प्रयास जो है अपने आप अपने रेटिंग करने के लिए जो एक मैकेनिज्म आपने डेवलप किया, चाहे वो होटल्स हैं चाहे हमारे और इस तरह के संस्थान हैं, उसमें जिस तरह से जो पैरामीटर्स आपने तय किए हैं उसमें वो स्वयं इसकी अपने आप जो रेटिंग करेंगे और रेटिंग करने के साथ साथ में जो बाहर से हमारे जो पर्टिकुलर होटल में जो टूरिस्ट आते हैं उनके समक्ष भी इस बात को लेकर के जब आप अपनी बात कहेंगे तो मुझे लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को भी प्रमोट करने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री को भी इसका एक लाभ होगा, क्योंकि जब हम अपने उस रेटिंग के हिसाब से जब मार्केट में जाएंगे कि हम इस तरह से बेहतरीन काम कर रहे हैं तो उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर की आधारशिला भी रखी।